चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। खून है आसाम का जनता को मालूम है, शायद दिल्ली नेशनल मीडिया को इतना मालूम नहीं है। हिमंत बिश्व शर्मा जी बीजेपी में कब गया और क्यों गया, हमारा गौरव गोगोई जी ने थोड़ा बताया। 2015 तक हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में था, 2014 में जब दिल्ली में बीजेपी आया, इसका बाद उस टाइम बीजेपी का जो प्रभारी है एसएस अलवालिया जी आके गुवाहाटी में बहुत बड़ा प्रेस मीट में बोला कि लुइस बाजार और शारदा का फाइल अभी हम लोग दोबारा खुलेगा। रिसीवर चीफ मिनिस्टर का वाइफ को कलकत्ता सीबीआई ऑफिस में दो बार बुलाया गया। जब जिस दिन चीफ मिनिस्टर बीजेपी में जाने का सिद्धांत लिया, उसका 2 दिन पहले मुझे आके मिला दिल्ली में, मेरा नॉर्थ हेवन ऑफिस में। मैंने पूछा, मुझे बोला जो चलो तुम भी चलो, हम लोग इतना साल 25 साल एक साथ कांग्रेस किया, चलो अभी वहाँ चलते हैं। मैंने बोला आप क्यों जा रहा है, आप रुको, हमारा भी समय आएगा आपका भी समय आएगा, आप रुको। आज पहली बार ये बात मैं आसाम का जनता को खुलासा कर रहा हूँ। तो बोला नहीं मैं जाना पड़ेगा, कांग्रेस में मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला आपका तो फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, आप रुको थोड़ा टाइम रुको, अभी तरुण गोगोई जी है, इसके बाद हमारा तुम्हारा समय शुरू हो गया। तो बोला नहीं मेरा और कुछ कारण है। क्या कारण है? ये मेरा घर से ये बोल दिया मुझे जो आपके लिए कौन बोला, ये आप लोग मत पूछिए, जो मेरा घर से ये बोल दिया जो आपके लिए मैं मरने के लिए रेडी हूँ, हिमंत बिश्व शर्मा जी को बोला, लेकिन मैं आपके लिए जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं आपके लिए मरने के लिए रेडी हूँ, आपसे मैं प्यार किया मैं मरने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं अभी बीजेपी जा रहा हूँ। ये मुझे ज्वाइन करने का 2 दिन पहले मेरा नॉर्थ हेवन 134 फ्लैट में आके बताया। वही आदमी जो हवा का रुख देखकर किसी ने बोलते है गया नहीं, जेल का डर से गया बीजेपी, तो वो आदमी आज भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। और उसका खिलाफ जो भ्रष्टाचार का आरोप इन राइटिंग लगाया, वो कांग्रेस ने कभी नहीं लगाया था, वो बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक पुस्तिका में लिखा हुआ था जो कांग्रेस का एक मंत्री भ्रष्टाचारी है। दूसरी बात, डुप्लीकेट 2021 जो असेंबली इलेक्शन हुआ, पूरा आसाम का जनता को मालूम है जो आसाम का सीएम फेस बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को प्रमोट किया था। पोस्टर में बीजेपी का 3 फोटो था, सबसे बड़ा फोटो सोनोवाल का था, दूसरी साइड में बगल में हिमंत बिश्व शर्मा का छोटा फोटो था और बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत दास का एक छोटा फोटो था। सीएम कैसे बना? मैनिपुलेशन करके। और ये आदमी सबसे पहले आसाम का जो सीएम था, पहले एजीपी का सर्बानंद सोनोवाल का खास आदमी था, पूरा आसाम का जनता को मालूम। इसका बाद हमारा कांग्रेस का सीएम हितेश्वर शइकिया जी का खास आदमी था, इसका बाद तरुण गोगोई जी का सबसे खास आदमी था, इसका बाद सर्बानंद सोनोवाल का खास आदमी, जिसका जिसका खास आदमी बना, राम माधव का भी खास आदमी, जिसका जिसका खास आदमी बना उसको पीछे से लात मारने वाला काम सबसे पहले इसने किया, विश्वासघात जो करता है। और जिस आदमी ने इसको सामने जाने के लिए जगह दिया, इसको इसने विश्वास, राहुल जी और सोनिया जी को बारे में क्या बोला था, मैं आपको वीडियो देगा, मेरा पास वो वीडियो है। हिमंत बिश्व शर्मा जी को एक दिन पूछा गया जे राहुल गांधी ने ऐसा बोला है, आपका क्या राय है? तब बोला जे भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपी को कुछ बोल देता है तो गोपी इसमें सवाल नहीं करता है, जब राहुल गांधी कुछ बोल देगा तो कांग्रेस में कोई सवाल नहीं करता है। ये हमारा राहुल गांधी जी का साथ रिश्ता है, ये हिमंत बिश्व शर्मा जी ने
उसका ट्वीट है, मैं आपको दिखा देगा, उसका ट्वीट है, मैं दिखा देगा, जो आई विल बी लॉयल टू माई लीडर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी माई एंटायर लाइफ। और यह आदमी डुप्लीकेट बोलता है, यह आदमी ने मेरा साथ 2014 में जब इलेक्शन लड़ा था तेजपुर में मेरा बगल में बैठ के बोला था जो गुजरात का पानी का पाइप से मुसलमान का खून बहता है। और मोदी जी को एक दिन रिक्शा वाला थप्पड़ मारेगा, ये मेरा बगल में बैठ के तेजपुर पार्लियामेंट इलेक्शन कैंपेनिंग में बोला था। मैं इसमें और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं सीएम को ये बता देना, आप धमकी मत दीजिए, आप बुलाए ना कल जो 21-25 तारीख के बाद जेल में डालेगा, आप जेल का कमरा भी बुक करके रखिए, हम आने के लिए रेडी। हमारा कांग्रेस का बहुत आदमी गोली खा के मर गया, हम लोग जेल जाने के लिए डरने वाला में से नहीं है, आप जेल का कुथा बुक करके रखिए, हम लोग आ रहा है। दूसरी बात, आज जो माजुली हमारा गौरव गोगोई जी ने बहुत अच्छा से बताया, लेकिन मैं नेशनल मीडिया को बताना चाहता हूँ, हमारा आसाम में ये हमारा जितना पंडित लोग है ये लिख के गया है, असमिया असामीज भाषा साहित्य संस्कृति को जंगल काट के जो रास्ता बनाया था वो था महापुरुष शंकरदेव, और ये रास्ता को जो पुलिस किया था वो था महापुरुष माधवदेव, और ये रास्ते में जाने के लिए चलने के लिए जिसने सिखाया ये था माजुली का जितना सत्र है सत्राधिकार गुरु है उस लोग ने सिखाया। आज मैं सबसे पहले आसाम कांग्रेस का तरफ से राहुल गांधी जी को, जयराम रमेश जी को, के सी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह को धन्यवाद देगा जे आज हमारा सत्र नगरी आसामीज भाषा साहित्य संस्कृति का प्राण केंद्र में हमारा नेता जहाँ पे नेहरू जी भी आया था, ये हमारा लिए बहुत गौरव की बात है। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।